खाना खजाना भी सीखा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज तैड़ी। तैड़ी बनाने के लिए 1.5 कप चावल लिया है। चावल को बड़े बर्तन में डालेंगे। चावल को 2-3 बार अच्छे से धुल लेंगे। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चावल को 3-4 बार अच्छे से धुल लिया है। अब इसको 15 मिनट के लिए पानी में भिगने देते हैं। तहरी बनाने के लिए 1 प्रेशर कुकर लिया है। इसमें 3 चम्मच के करीब सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल में तहरी का फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आता है। तेल गर्म हो गया है। अब इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को अच्छे से भुनने देंगे। जीरा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट को 1 मिनट तक भुनेंगे। एक मिनट हो गया है पेस्ट को भूनते हुए। अब इसमें बारीक कटा हुआ 1 टमाटर डालेंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक इनसे तेल छूटना शुरू ना हो जाए और अच्छी खुशबू ना आने लगे। मसालों से तेल छूटना शुरू हो गया है, अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। 1 कटोरी मटर, 1/2 कटोरी बीन्स, 1/2 कटोरी गाजर, 1 कटोरी फूलगोभी, 1 कटोरी आलू। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जियां अच्छे से मिक्स हो गई हैं मसाले के साथ में। अब सब्जियों को 1 मिनट तक मसालों के साथ में भूनेंगे। 1 मिनट हो गया है सब्जियों को मसाले के साथ में भूनते हुए। देखिए सब्जियों का कलर कितना अच्छा आ रहा है। अब इसमें भीगे हुए चावल ऐड करेंगे। चावल को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चावल अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब चावल को 1 मिनट तक भूनेंगे। 1 मिनट हो गया है चावल को सब्जियों और मसाले के साथ में भूनते हुए। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। 1.5 कप मैंने चावल लिए थे तो इसलिए 3 कप पानी ऐड करेंगे। मिक्स कर देंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला भी डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने तक तैड़ी को पका लेंगे। कुकर में सीटी आ गई है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। कुकर का प्रेशर ख़त्म होने देते हैं। कुकर में प्रेशर ख़त्म हो गया है। ढक्कन खोल के तैड़ी को चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया तैड़ी बन के आई है। तैड़ी को अभी कुकर से बाहर नहीं निकालेंगे। 10 मिनट इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। इसके बाद तैड़ी को बाहर निकालेंगे। तैड़ी ठंडी हो गई है। अब इसको हल्के हल्के हाथों से चलाएंगे। तैड़ी को बाहर प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया तैड़ी बनके आई है। मिक्स वेज तैड़ी बनके तैयार है। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।